है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज पीड़ित साहू परिवार की बिलखती महिलाएं पहुंची ऑपरेशन विजय कार्यालय और मीडिया से आप बीती बताई, आइए सुने क्या कहा उन्होंने। खिलाफ रिपोर्ट थी तो एक ने जुलाई में ये रिपोर्ट पिछले साल दिया था, फिर विरोध किया था, तो इन लोगों ने टारगेट बनाया था एक साल से, तब पीछे गाली गाली सब देते थे। फिर 27 फरवरी को इन लोगों ने रात में खूब गंदी 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 खूब गालियाँ दिया, कहा तुम निकलो, मेरे दरवाजे पे पैर मार के बोले, जान से मारने की धमकी दिया और कहा तुम लोगों को इतना सताएंगे कि तुम लोग झूठे झूठे केस में फंसा देंगे, फंसा के तुम लोग को जान देना पड़ेगा। और मैंने ये एप्लीकेशन देकर आई, फिर वहाँ से FIR हुआ था, करें मेरे बच्चों के ऊपर FIR कराई हो और मैं तुम लोग के ऊपर उल्टा झूठा लुटाएंगा। मेरा देवर दिवाली आती थी खाना देने, मेरा हाथ अब तोड़ दिया, मेरा हाथ भी तोड़ा, अंदर से मारा, अंदर घुस के सब लोगों ने मारा और मेरे देवर को उल्टा केस में फंसाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है आप लोग जो है मुकदमा वापस ले लो और हम लोग का डेली का काम है ये, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ नहीं कर पाओगे। और हमारे आज हमारे कार्यालय में कानपुर नगर का एक यह शाहू परिवार आज एक गुहार लेके आया कि इनके मोहल्ले में एक जुवारियों का गिरोह, जो जुवारियों के साथ साथ हर तरह के जो नशे हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और बेचते हैं, जब उनकी सारी सीमाएं क्रॉस हो गईं तो इन्होंने जा कर के उस गिरोह की पुलिस से शिकायत की। पुलिस से शिकायत करते ही उस गिरोह ने इनके ऊपर जो अत्याचार किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये महिला है, इनका हाथ टूट गया और इनको सबको बेरहमी से मारा, घसीट घसीट के मारा, जो इनका कहना है घरों में घुस के मारा महिलाओं को। और जब ये बहुत लंबे समय तक इन्होंने थाने का चक्कर लगाया, अधिकारियों के पास गए, तो इनकी एक बहुत साधारण धाराओं में ये FIR दर्ज हुई। और उसके बावजूद जब इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई उनमें जो धाराएं बढ़ाना चाहिए उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना चाहिए, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और इस पीड़ित परिवार का कहना है कि मुझे आए दिन इतनी ज़्यादा धमकियां दी जाती हैं कि हमारा खाना पीना हराम है और अब हमें पूरे परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हमने इनको संतावना दी है और इनके मैटर को हमने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कानपुर के IG महोदय साहब के पास इस परिवार को हम पत्र के साथ भेज रहे हैं और इनके इस मामले को हम DGP उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री जी को भी भेज रहे हैं कि इस तरह से गुंडे, शराबी, चुमारी अगर ऐसे परिवारों पर अत्याचार करेंगे और पुलिस इनका साथ देने की बजाय उन्हीं का साथ देगी तो आखिरकार योगी सरकार का जो उद्देश्य है ये कैसे पूरा होगा।